पता भी है क्या चल रहा था। एनपीपी मॉडिफाइड आईआरएस। एग्जाम्पल कैपिटल वेस्टिंग के अंदर ये ना ही वाला अलग। एक बार हो तो जाए कि यार पढ़ क्या रहते हैं। हाँ मतलब भूल तो नहीं गया हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ। एनपीवी निकालना है आपको। डिवाइड वाले तरीके से ही निकाल रहा है क्योंकि बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझने वाले हम। डिवाइड वाला मतलब है इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड। एनपीवी का फॉर्मूला पता है? थैंक गॉड। एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। पहले साल कितना पैसा आएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 1 प्लस 20,000 1.08 पावर 2 प्लस 51,700 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 3 और माइनस कितना करोगे भाई? 1,00,000। एनपीवी कितना? 37,999। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? 3799 का मतलब समझा रहा हूं क्योंकि मेरे काम आने वाले। ये पीरियड हुआ है जीरो,
ठीक है, हम प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रहे हैं, 1,00,000। कॉन्सेप्ट समझना था तो पहले हम कॉन्सेप्ट ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, 1,00,000। पहले साल पैसा कितना आएगा, 40,000, दूसरे साल 30,000 और तीसरे साल 51,100। अब पहले साल जो पैसा आएगा 40,000, उसका करोगे क्या? मान लो मैंने बिजनेस किया, 1,00,000 रुपया लगाया, माल वाल बेच के एक्सपेंसेस वगैरह काट कर जो पैसा बचा वो बचा 40,000, उसका करोगे क्या आप? ये आपका पैसा बचा, घर में रखोगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो भी उस समय का रेट होगा, रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, उसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, ठीक। तो इसको इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए करोगे, मान लो मुझे 3 साल में बिजनेस बंद करना है और मैं देखना चाहता हूँ 3 साल में मेरा कितना पैसा जमा हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट करें इसको, यस सर, बताओ इसको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। 40,000 यहाँ मिला, 3 साल में मुझे ये देखना कि 3 साल में कितना पैसा जमा हो रहा है, तो 40,000 को कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, 1 साल 2 साल, यहां पहुंचाना मुझे, तो बताओ 40,000 2 साल बाद कितने परसेंट से इन्वेस्ट कर रहे हो, 8% से इन्वेस्टमेंट करने पे बताओ यहां कितना हो जाएगा, निकल सकता है? पावर टू 4,666,556। ऐसे ये 30,000 को भी इन्वेस्ट करोगे कितने साल के लिए, 1 साल के लिए 30,000 इंटू 1.08 कितना आ गया, 32,000। बताओ कितना पैसा जमा हो गया थर्ड ईयर के एंड में, 1,00,000 रुपया मैंने प्रोजेक्ट में लगाया है, घर में कुछ नहीं रखा, जो भी पैसा बचा मैंने बैंक में जमा किया, तो तीसरे साल के एंड में ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, कितना जमा हो गया, 1,30,756। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएरी कैश फ्लो, और पक्का इसका क्या करते हो आप, री इन्वेस्टमेंट करते हो, इतना जमा हो गया, पर ये पैसा जमा कब हुआ, थर्ड ईयर में। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो कि आराम से, कैसे निकालते हो, 1,30,756/1.08 / 3, इसका प्रेजेंट वैल्यू यहां के लिए निकल जाएगा, (1,037,99) ले लूं, कितना पैसा मिला, लगाया कितना था, कितना एक्स्ट्रा मिला, यही तो है। किसी को आप नाम क्या देते हो, एनपीवी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो हमने पहले भी आप डिस्कस कर चुके हो ये बात, लेकिन अभी याद दिलाना जरूरी है, इसको भी ऐसे ही नोट करो, ऐसे ही नोट करना, काम आने वाला।
तो इससे एक बात समझ में आई कि जो बीच के जो कैश फ्लो आते हैं उसको हम वापस क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट। और री इन्वेस्टमेंट का रेट कौन सा होता है? सीओसी। क्योंकि याद करो मैंने बोला था बैंक से पैसे उठाए, सीओसी होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस क्वेश्चन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। मैंने बोला था एनपीवी, तो आपने एनपीवी जल्दी से निकाल लिया था। अब मैं बोलना चाहता हूँ कैलकुलेट आईआरआर, वो भी आप निकाल लोगे मुझे उम्मीद है। आगे लिखोगे इसी के आगे कैलकुलेट आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम ट्रायल एरर मेथड लगाते हैं। 8% पे है एनपीवी 3799, इससे बड़ा वाला रेट ले लो, 10% ले लो, 10 से नहीं आया तो फिर दूसरा देखेंगे। हाँ तो मैंने क्वेश्चन सेट किया होना है, अब तो एक क्वेश्चन जब सेट किया ना तो मैं वो कैलकुलेट उठाया कैलकुलेटर, उसके बाद क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, 10% आ गया आपका आई आर आर। हाँ लिख लो कहीं, आई आर आर इज इक्वल टू 10%। ठीक, आईआरआर 10%, इसका मतलब जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं उससे कितने परसेंट की कमाई हो रही है, 10%, यही मतलब होता है उसका। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सर प्रोजेक्ट में हम 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं, पहले साल कितना पैसा मिलेगा, कितना लिखा था हमने, 40,000, फिर कितना मिलेगा, 30, और फिर कितना, 51,700। ठीक, और फिर मैंने बोला था कि बीच में जो कैश फ्लो आएगा इंटरमीडियरी कैश फ्लो उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, 40,000 को कितने परसेंट पे, वो आपको सोचना पड़ेगा ना क्या होना चाहिए लॉजिकली। होना तो 8 चाहिए, क्योंकि यार बैंक में तो 8% पे, ऐसा थोड़ी ना कि आपने कुछ भी निकाला ट्रायल एंड एरर से और उस परसेंट पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। 10 से एक बार करके देख, काम की चीज है सुनना। 1.10 पावर क्या करना पड़ेगा, 2, नहीं 30,000 है, तो ये तो 33,000 आ गए है ना, और ये 53,240। बताओ कितना, 1। इसका मतलब है कि आज अगर हम 1,00,000 रुपए लगाते हैं तो 3 साल बाद हमको 1,33,100 मिलेगा। कितने परसेंट की कमाई हो रही है हर साल, 10%। चलो इसको 10% से बढ़ाकर देखो, 3 साल 1,00,000+10% +10% +10%, यही आए। इट मीन्स कि हम लोग 1,00,000 लगाते तो 1,33,100 आएगा, इट मीन्स हर साल का कमाई कितना हो रहा है, 10%। ये है आईआरआर की एक एजम्पशन है, ये जो 10% निकाला है ना आपने एक एज्यूम किया है, और एज्यूम ये किया है कि जो बीच के कैश फ्लो आते हैं उसका जो रीइन्वेस्टमेंट होता है वो रीइन्वेस्टमेंट का रेट क्या होता है,
आईआरआर रहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है? फिर से आईआरआर जो निकालते हैं हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, और एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि ये जो बीच के कैश फ्लो है वो तो रीइन्वेस्टमेंट होते हैं, पर किस रेट से हो रहा है? 10% से हो रहा है कि 8% से? 10 गलत है कि सही? गलत है, आईआरआर गलत है यहाँ। और जबकि एनपीवी जब निकाल रहा है तो जो रीइन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या वो सही वाले रेट पे हो रहा है? यस, इसलिए एनपीवी मेथड अच्छी मानी जाती है। आईआरआर और एनपीवी में एजम्पशन है वो है बीच के कैश फ्लो को किस रेट पे इन्वेस्ट कर रहा है, और बीच के कैश फ्लो को कभी भी जो भी रीइन्वेस्टमेंट रेट होगा उसी पे रीइन्वेस्ट करोगे। आप जो ट्रायल एंड एरर से निकाल रहे हो उसमें कैसे आप रीइन्वेस्ट कर सकते हो? मुद्दे की बात है, टेक्निकल चीजें मैं पहले भी बोल रहा था। कौन सा ज्यादा सही लग रहा है आपको? एनपीवी। एनपीवी में बीच के जो कैश फ्लो होते हैं ना वो किस रेट पे रीइन्वेस्ट होते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वही होना भी चाहिए। आप थोड़ा बहुत चलता, आप कह रहे हो सर बोरिंग रेट अलग होता है और डिपॉजिट रेट अलग होता, मान के चलो कि वही आसपास है, ठीक है, तो इसलिए वहां। लेकिन ये तो कुछ और ही अज्यूम कर रहा है ना यार, ये तो 10, अगर आईआरआर 20 आता तो 20% पे रीइन्वेस्टमेंट कर देते, वो तो लॉजिकल नहीं है, ठीक। तो यहां लिखना पड़ेगा एक नोट, आईआरआर गलत है। सर इसको भी ऐसे ही नोट कर ले क्या? हाँ कर लो, कॉन्सेप्ट है। बट इन अ रियालिटी री इन्वेस्टमेंट रेट इज डिफरेंट फ्रॉम आईआरआर। आईआरआर का जो रेट है भाई उससे री इन्वेस्टमेंट रेट अलग हो सकता है। सपोज इन अबो एग्जांपल जो ऊपर कर रहे थे, री इन्वेस्टमेंट रेट इज 12% पर। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे पहले साल 40,000 आ रहा है, पर वो 40,000 री इन्वेस्टमेंट का रेट अलग है, वो कितने परसेंट से री इन्वेस्ट होगा? 12। ये वाला भी कितने परसेंट से? 12।
तो अब जो आएगा टोटल वो अलग आएगा कि यही आएगा? अलग आएगा। और जो कमाई होगी हर साल की वो कितने की होगी? वो पता नहीं ज्यादा की होगी क्योंकि बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अच्छा यहाँ दस, यहाँ कितना आ रहा था आपका आंसर? 1,00,000 रुपए लिया था, 1,33,100 आया, तो आपने 10% निकाला था ना, आपने कुछ करके निकाला था, 1,00,000 प्लस 10% प्लस 10%। और भी दूसरे तरीके थे करने के, तो ना और दूसरे तरीके क्या थे करने के? 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हो? आज किस रेट से? यही तो निकालना है। और लास्ट में कितना आएगा? 1,33,100। ऐसे करके भी निकालते थे आप लोग, तो यहाँ आर आ जाता था। रिलेटिव पावर याद है ना यार, दिस डिवाइडेड बाय दिस करते थे, पावर 1/3। खैर वो कर लोगे आप, तो आंसर कितना आएगा यहाँ? 10% आएगा। ये भी तरीका था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब फिर से मुझे रेट ही निकालना, ये निकालना आर, लेकिन बीच का जो कैश फ्लो वो किस रेट पे हो रहा है? 12%। तो हम 12% से बढ़ाएंगे, यहाँ का फिगर निकालेंगे ये वाला, और यहाँ आ जाएगा 1,00,000, और कहेंगे आर निकालो। निकल सकता है क्या? आ जाएगा आर 12% नहीं है, रीइन्वेस्टमेंट रेट है 12%। तो आपका यह कहना है कि यहां जो आर आएगा वो 12% आएगा? अब 12% का मतलब यह है आईआरआर। अभी बताओ मुझे, यहां रीइन्वेस्टमेंट रेट कितना है? 10%। आईआरआर कितना आया? 10%। अगर रीइन्वेस्टमेंट रेट 12% रहे तो आईआरआर कितना आएगा? पक्का बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, कोई 10 आएगा कि 12 आएगा कि 11 आएगा, बस मुझे ये वाला आर मतलब कौन सा वाला? पहले इसको 12% से बढ़ाइए, वो मैंने दिया है। बीच का कैश फ्लो किस रेट से बढ़ेगा वो मैंने दे दिया, बस मुझे ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, ये वाला आर निकालना, ठीक? 12% ये जो बीच का कैश फ्लो है ना, वो 12% पे इन्वेस्ट होगा, 12% करें करके देखते। हाँ हमको आई आर आर निकाल, देखते हैं कि तीसरे साल में कितना पैसा जमा हो जाए। कैश इनफ्लो, अगर री इन्वेस्टमेंट रेट कितना है सर जी? 12%, ठीक है। तो सबसे पहला काम है ये 40,000 कितने परसेंट के हिसाब से? 1.12/2 है ना यार, बोलो कितना आया? 50176, ठीक है। अच्छा और यहां कितना आ रहा है? 30,000, 1.12 ना यार, 36,000, 33,600, और लास्ट में कितना आया? 51,700। तो बताइए टोटल कितना हो गया? 1,34,1,35,476, ठीक। बोलो पैसा कितना लगा रहे थे? 1,00,000 किस रेट से? ये तो निकालना। पावर क्या होगा? 3, और यहां जाएगा 1,35,476। कभी डर्टी पावर सुना है नाम?
पक्का 10.65 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। टेन पॉइंट सिक्स फाइव पक्का, 1 लाख को बढ़ाओ 10.65% से, 1 लाख है प्लस 10.565 प्लस 10.65 प्लस 10.65% करते जाओ, 1 लाख प्लस 10.65% प्लस 10.65% प्लस 10.65% 135.47। हाँ सही है, आंसर कितना आ रहा है 10.6। क्या मैंने इसको चेक कर लिया? यस। कैसे चेक किया था? 1 लाख प्लस 10.65 प्लस 10.65% प्लस 10.6। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो देना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा यार, इसका भी तो नाम दिए थे ना यार बीच का जो, इसका भी तो नाम दिए थे बीच में, रीइन्वेस्टमेंट तो 12% है, मॉडिफाइड आईआरआर। इसको आईआरआर नहीं बोल सकते, अगर इसको मैं आईआरआर बोलता हूं तो आईआरआर का एजम्पशन है कि बीच का कैश फ्लो किस रेट पे इन्वेस्ट होगा, रीइन्वेस्ट जो रेट है उसी पे, मतलब इसी पे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका नाम आईआरआर नहीं हो सकता, इसका नाम क्या है? मॉडिफाइड आई, लिख लो इसका नाम है। सर हमारे सिलेबस में है क्या? नहीं है। मॉडिफाइड आईआरआर फाइनल की भी तो तैयारी करवानी है मुझको ऐसे। एक स्टेटमेंट याद रखनी है और वही स्टेटमेंट चिपकाना है हर जगह, कि आईआरआर और एनपीवी में कौन सा मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एनपीवी आईआरआर में क्या गलत एजम्पशन है? रीइन्वेस्टमेंट रेट जो है वो गलत एजम्पशन है, आईआरआर की सबसे उसी रेट पे रीइन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एक्चुअल में रीइन्वेस्टमेंट रेट अलग होता है और जनरली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। बस ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, काम हो जाएगा। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हमको मॉडिफाइड आईआरआर आ सकता है एग्जाम, मतलब बाकियों की खराब अब सीधे वो तो पढ़ के नहीं जाएंगे ठीक है, इतना कर लिया सफिशिएंट। वो आपको सब बताएगा, आपको ये बताएगा रीइन्वेस्टमेंट रेट ये है, सब कुछ बता देगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो बनाए क्वेश्चन। हाँ अब इसके एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक आध क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी होमवर्क दे दूंगा मैं। टोटल 3 क्वेश्चन हमने पीछे छोड़े हुए थे वो क्वेश्चन का। हाँ वर्सेस एनपीवी वर्सेस आईआरआर। ओके एक अच्छा ही क्वेश्चन उठा ले, ये वाला क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है क्वेश्चन। और ये सुनो, ऐसा नहीं है एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। अ फर्म कैन मेक इन्वेस्टमेंट, 2 प्रोजेक्ट है, दोनों में से किसी एक में करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इधर कितना है? 10%। और नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो मतलब सीएफईटी दिया हुआ है, इसमें कितना लग रहा है? 500 लाख। इसमें भी कितना लग रहा है? 500 लाख।
इस ये भी दोनों 5-5 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ 5 नहीं, हे भगवान। रुपीज इन थाउजेंड में ही क्वेश्चन करना आप लोग, है ना। 85, 200, 240, 240 ऐसा दिया, उसमें 480, 100 ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया, 10% और 20% भी दिया, शायद कुछ चाह रहा होगा हमसे। सबसे पहले क्या निकालना है, निकाला जा सकता है क्या? यस। कितने परसेंट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? चलो निकाले, कैलकुलेशन ऑफ एनपी, डिवाइड करके नहीं कर सकते, फैक्टर दिया। पहला प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ई। ऐसे प्रोजेक्ट बी, स्पीड इसको बोला जाता है। अच्छा, आप तो रुपीज इन थाउजेंड में अगर 0-0 लेकर कर रहे हैं, कैसे कर? अच्छा नेगेटिव आ गए क्या एनपी? यार निकल गए तो निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, अब चलते रहो बस, रुक नहीं तो। आंसर नहीं आ रहा है क्या? ये वाला गलत आ रहा है। अच्छा 20% से डिस्काउंट मार दी, प्रोजेक्ट बी है ना यार, सर 20% से डिस्काउंट, आरईडी डीआर पढ़ रहे अपन लोग तो, है ना।
तो ये आंसर गलत है शायद, है ना, ये गलत है। और ये आ रहा है 25 पॉइंट कितना आ रहा था, ये 4849 चल जाएगा, तो आप ठीक कर लीजिए, बुक में भी 25.48। बहुत ज्यादा परेशान। निकल गए सब लोगों का। ये बताओ एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट करोगे, ए और आईआरआर के हिसाब से, जिसका ज्यादा आईआरआर, बी एनपीवी बोलता है ए, आईआरआर बोलता है बी, कौन सा करोगे? हाँ IRR appropriate method नहीं, अगर दोनों में conflict है हम किसको जाएंगे, NPV, क्यों? reinvestment rate assumption की वजह। ठीक, मैंने कहा ना ये कहानी लिखना पड़ेगा, तो point number 2 में वही आपको reason बताना है कि आप कौन सा करोगे, तो यहाँ लिख देंगे point number 2। तो सब point number 1 जो था वो जबरदस्त टाइम पास था, यस ये तो प्रैक्टिस हो गई आपकी। NPV is more appropriate method than IRR. Hence, project A. Should be accepted due to higher NPV. क्या इसमें मैंने कुछ कहानी लिखा है reinvestment rate वगैरह, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि P में क्या लिखता, ठीक इसलिए यहाँ कहा नहीं लिखा, मैं सोचा चलो 3 में लिखूंगा, अगर यही लिख देता तो यहाँ तो सोच में पड़ जाते कि क्या लिखेंगे करके। तो थर्ड में क्या लिखोगे बताओ, इनकंसिस्टेंसी की वजह। एनपीवी के हिसाब से किसको रैंक 1 मिलेगा और आईआरआर के हिसाब से, तो इनकंसिस्टेंसी है रैंक में, उसकी वजह है री इन्वेस्टमेंट रेट एजम्पशन। ये क्या एज्यूम करता आईआरआर, जो इंटरमीडिएट कैश फ्लो आता है वो किस रेट पर, आईआरआर, और ये क्या अज्यूम करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए इसमें जो बोलने जा रहा हूं, किसमें शुरू में कैश फ्लो ज्यादा दिख रहा, बड़ा पैसा ज्यादा आ रहा शुरू में। अगर शुरू में कैश फ्लो ज्यादा आएगा तो आईआरआर ज्यादा आएगा कि कम आएगा, हालांकि इनमें बाद में कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है, पर इसमें शुरू में कैश फ्लो ज्यादा आ गए तो आईआरआर किस प्रोजेक्ट में, हालांकि ऐसा हो सकता है कि यहां ज्यादा पैसा हो यहां की अपेक्षा, हो सकता है ना, अगर टोटल में मारोगे तभी तो एनपीवी आया है, हो सकता है कि यार यहां ज्यादा पैसा हो यहां कम, पर ये शुरू में ज्यादा पैसा आ गया, आईआरआर किस में ज्यादा आएगा, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें बिगिनिंग में ही ज्यादा पैसा है कि एंड में ज्यादा पैसा है, क्यों, क्योंकि जो पैसा आता है उसको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और ये इन्वेस्टमेंट बोलो कितने साल के लिए होगा, 4 साल, वो तो पैसा बढ़ेगा ही यार, मेन वजह है। तो कैश फ्लो का जो अनइक्वल है ना कैश फ्लो, उसकी वजह से भी रैंक में अंतर आता है, ये मैं लिखवा देता हूँ ज्यादा अच्छा लिखोगे। रीजन ऑफ
इनकंसिस्टेंसी इन रैंकिंग। फर्स्ट IRR assumes that, assume करता है intermediary cash flows are reinvested at IRR, but NPV method assumes that, क्या assume करते हैं, intermediary cash flow are reinvested at COC, cash flow second disparity of cash flows, दोनों प्रोजेक्ट में डिस्पैरिटी है, अलग अलग, किसी में ज्यादा शुरू में ज्यादा रहा किसी में, बस ये दो सेंटेंस लिख देना आपको नंबर मिल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, एजम्पशन वाला, ये लिखोगे पक्का पढ़ते ही ना लग जाएगा जो भी पेपर चेक कर रखी यार नहीं इसको समझा है इसने, समझ कर क्या करना है, ब्रेक की जरूरत है क्या, चलाए इसे थोड़ा बहुत तो राहत मिले। हाँ एक बार देख लेते हैं फिर सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 दो प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक कितने का है 40,000 और एक कितने का 20, ये कितने साल तक पैसा आएगा, 6 साल, 6 साल का प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ कितने साल तक पैसा आएगा 3 साल, तो 3 ही साल का प्रोजेक्ट होगा। याद है एनपीवी में ऐसा होता है, अगर एक प्रोजेक्ट 6 साल का, एक प्रोजेक्ट 3 साल का है, तो हम कुछ करते थे, हम इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालते, वही ज्यादा मेथड। सबसे पहले क्या निकालना, एनपीवी निकाल लोगे, डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट, 15%, कभी कभी इसको हर्डल रेट बोलते हैं, हम टेंशन नहीं लेते हमको पता। उसके बाद क्या निकालना है, आईआरआर, क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आएगा तो बोले कॉन्फ्लिक्ट जो है तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है एनपीवी वो बता दोगे इंटरमीडिएट, ठीक है, और आप क्या इस सिचुएशन में कौन सा मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, कौन से मेथड से डिसीजन लोगे एनपीवी के हिसाब से कि आईआरआर के हिसाब से, एनपीवी और एनपीवी में भी क्या करोगे, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी, अब बता देना कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, ठीक, बाकी तो लिखा ही हुआ आंसर, गलत आएगा तो मैसेज कर देना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 36 सी और डी, कितना प्यारा क्वेश्चन, एनपीवी आईआर, आप टेंशन मत लो वो हम पर छोड़ दो, कितना पैसा लग रहा भाई, 10,000 और 10, 2,000 4,000 लास्ट में 12,000, 10,000 पहले ही आ गया, बोलो आईआरआर किस में ज्यादा आएगा, तो यार वो आ जाता है देखकर बोल रहे हो क्या, जाता ही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वही लाइन लिखोगे, कैश फ्लो के विषय में लिख देना वो दो लाइन लिखना है, और कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे, आप प्रोजेक्ट सी एक्सेप्ट करोगे तो भले ही उसका इंटरनल आईआरआर कम है उसकी वजह क्या है, तो उसी लाइन के हिसाब से लिख देना कि ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है एनपी।
वक दो क्वेश्चन होमवर्क हो गए, तो इधर का तीन ही क्वेश्चन थे ना ये टॉपिक में छुटे हुए, ये तो खत्म हो गए। अभी भी ऐसा इधर वाला तो टॉपिक हो गए, पर तीन चार क्वेश्चन ऐसे जो हमको बनाने हैं, तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा उन क्वेश्चन के लिए, हम छोड़ेंगे एक भी नहीं। ठीक, खत्म करना मतलब पूरा पैकअप ही करके आगे निकले। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाए क्या ये बोल, नहीं सारे छुटे हुए क्वेश्चन मैंने निकाल, आप बिल्कुल चिंता मत करो सब निकाल के रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन बेटे। हाँ हाँ मैं अब अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन तो बनाना है, कभी भी बना लेंगे क्या। मौसम खराब हो गया है क्या, चलो तो आप बताते जानो। कॉस्ट का ही क्वेश्चन है, हम लोगों को डाल दिया है इसमें। लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कन्वर्ट किसमें करना है, मार्केटिंग में। ठीक है, अभी जो है जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करता है, कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टर। डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी 50 लाख रुपए पर एनम लगेगा अगले 4 साल तक। क्या कह रहा है जरा बताओ, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको फिकवाने के लिए 50 लाख रुपए चार्ज कर रहा, आने वाले 4 साल तक 50 लाख रुपए लेगा। ठीक है, तो 50 लाख रुपए आपका खर्चा है। ठीक, अगर आप इस प्रोडक्ट वेस्ट को अगर आप मार्केटेबल प्रोडक्ट बना लेते तो शायद कुछ फायदा हो जाएगा, ये 50 लाख बच जाएगा। ठीक, ये किसको दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले। अगर हम नई मशीन खरीदते हैं और हम वेस्ट को यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो यार कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है कि नहीं देना, नहीं देना, बच गया। हाँ वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इनफ्लो हो गया एक प्रकार से, लेकिन वो मानेगा कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो चलो उसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेट अपन इंस्टॉलेशन ऑफ अपोर्शन मशीन, पेमेंट देना पड़ेगा, कंपनसेशन कितना रुपए, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। आज वो बोलता है 30 लाख रुपए दो और जाओ जो करना है कर, कंपनसेशन का कितना जाएगा 30 लाख। हमारा एक्सपेंसेस है कि नहीं है, है तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब इनकम टैक्स वाला इस एक्सपेंसेस को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, है ना, इनकम टैक्स में अलाउ है कि नहीं, एक्सपेंसेस है कि नहीं, हमारा है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया पर अलाउ है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि लिखा है नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। ठीक, फिर मैं टैक्स पे नहीं जाता, मैं इस पे टैक्स सेविंग्स लेता, मुझे नहीं मालूम कि टैक्स में क्या लिखा है। एक तो वैसे ग्रुप वन बड़ी मुश्किल से निकला और ऊपर से आप बोलते हैं टैक्स वापस हमको नहीं करना है, अगर नहीं लिखा रहता तो वो आपके नॉलेज है, वो आप चाहो तो एक नोट लिख देते, पर मुझे नहीं पता था एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि अलाउ है कि नहीं, मैंने तो यहां दिया और मैंने कर दिया। ठीक है, क्या मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, हाँ कितने की आएगी भाई, 200 लाख रुपए की मशीन, रुपीज लैक्स में काम कर रहे, खुद के पैसे से खरीद रहे हो क्या, लोन ले रहे, वाह मजा आ गया। और कितनी किस्तों में चुकाना है लोन, 4, तो 200 लाख को 4 किस्तों में चुकाना है, तो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख। ठीक, और बैंक वाला क्या इंटरेस्ट भी लेगा, 16%, पहले साल 200 लाख का 16%, फिर 150 लाख का,
फिर 100 लाख का, फिर 50 लाख। वाह क्या क्वेश्चन है, मजा। हाँ सही है, सही। और 34 साल के एंड में आप मशीन को बेच सकते हो कितने का, 20 लाख का। और कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 15 लाख। तो कितना मिला नेट, 20 लाख की मशीन बेचे पर उसको हटाने का खर्चा आ गया 15 लाख, तो नेट कितना मिला, 5 लाख। वाह सर मजा आ गया कहानी में, आगे बढ़े। सेल्स और एक्सपेंसेस दे रखे कितने साल के, 4 साल। सेल्स दिया है, मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है, वेजेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया। फैक्ट्री ओवरहेड लेना है कि नहीं लेना है, अगर एलोकेटेड होते तो नहीं लेंगे, ठीक। इसको तो लेंगे, यहाँ एलोकेटेड शब्द लिखा नहीं है ना। और डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से दिया है, थैंक गॉड हमको डेप्रिसिएशन नहीं निकाला। कहानी पढ़ूंगा, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल, शुरू में वर्किंग कैपिटल रखना होता है ना हम लोगों को, तो मतलब शुरू में लोगों को दिखाने के लिए जो स्टॉक है या वर्किंग कैपिटल है वो कितना लगेगा बोल रहा है, 20 लाख। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ 1, 2, 3 विल बी 55 लाख। क्या कहना चाहता है, आज मैंने कितना लगा दिया, 20 लाख। फर्स्ट ईयर में और लगाना पड़ेगा कितना, 20 लाख, उसका भी तो पैसा आया होगा। मेरा पैसा कितना लगने वाला फर्स्ट ईयर के एंड में, आज 20 लाख रुपया लग रहा, ये लो स्टॉक, आज 20 लाख रुपया लगा दिया, एक साल बाद और 55 लाख मेंटेन करना है तो और लगाना पड़ेगा पैसा कितना, 35 लाख। आप कह रहे हो सर स्टॉक बेचोगे तो उससे पैसा आ गया, मेरा एक्स्ट्रा कितना पैसा लग रहा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक। मतलब ये वर्किंग कैपिटल मान के चलो। एंड स्टॉक एट द एंड में कितना हो जाएगा, 0। मतलब 34 साल में पूरा हमारा पैसा मिल जाएगा, कितना मिलेगा पूरा, मतलब कितना, 55 लाख ही मिलेगा ना यार, उतना ही तो था मेरे पास स्टॉक। कुछ बच्चे बोल रहे सर पहले साल कितना है, 20, शुरू में 20, फिर 35, फिर सेकंड ईयर में 35 और फिर से आराम से आराम से आराम से 20, बस 55 हो गया ना, और तो नहीं लग रहा ना बीच में। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। आगे चले, द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल बी यूटिलाइज स्पेस Which would otherwise have been rented out for 10 lakh per annum. मतलब अब लाइट गई ना, क्लास ओवर करूंगा। ये तो मटेरियल भर लिया आपने, और कहाँ रखा है मटेरियल, गोडाउन में, स्टोरेज में, और पहले क्या क्या काम कर रहे थे उसको, या आगे क्या काम कर सकते हैं उसको, रेंट पे दे सकते थे, और कितना मिलता, अब मिलेगा कि नहीं, अब नहीं मिलेगा, तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया, अपॉर्ट, जैसे ये खर्चे है वैसे ये 10 लाख भी खर्चे, ठीक है। लेबर कॉस्ट में जुड़ा हुआ ये लेबर, वेजेस, वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स, 40 वर्कर्स Whose transfer to this process will reduce idle time payment of 15 lakh in the year 1 and 10 lakh in year 2. मतलब खाली बैठे उधर, हाँ हाँ सोच लो, आइडल टाइम को सुना आप, अभी बस इतना है, मैं ये कह रहा हूं कि लेबर मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में खाली बैठे हुए, उनको पैसा देना है कि नहीं देना है, देना ऐसे भी देना वैसे भी देना,
उसका कोई यूज तो नहीं है, पर हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको बुला लेते, उधर खाली बैठे यहाँ काम करो, पैसा तो उतना ही देना है। तो कितना रुपया दिया जा रहा है मेरा? 15 लाख और सेकेंड ईयर में 10 लाख। अब ध्यान से देखो वेजेस कितना दिखाई दे रहा है, 75 लाख। एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की वजह से वेजेस कितना है? 75 नहीं है, 75 माइनस 15 कितना है? 75 माइनस 60, एक्चुअल में तो 60 ही है ना भाई, 15 तो नहीं भी करते तो भी तो 15 दे रहे हैं। तो हम डिसीजन मेकिंग में जो हमारे जेब जेब से इस प्रोजेक्ट की वजह से जा रहा है वो पैसा पर माइनस करें। चले आ गया, और फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड है अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। अपोर्शनमेंट नाम सुना है, एलोकेशन अपोर्शनमेंट, ठीक है। आगे सारा मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड है, किधर गया फैक्ट्री ओवरहेड? ये एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन इसमें एक ऐसा खर्चा है, अब खर्चा सुनो, किस चीज का? इंश्योरेंस चार्जेस का 30 लाख है ऑन दिस वेंचर। बताओ ये फैक्ट्री ओवरहेड माइनस होगा कि नहीं होगा? फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो नहीं है, ये तो काम कर, लेकिन इसमें और एक चीज जुड़ा हुआ, 30 लाख रुपए इंश्योरेंस का है जो इसी वेंचर की वजह से हो। तो बोलो फैक्ट्री ओवरहेड में कितना कितना माइनस होगा? फैक्ट्री ओवरहेड माइनस तो करना पड़ेगा, पर कितना माइनस होगा? 30 लाख। हमारा एक्चुअल में खर्चा 30 लाख, और टैक्स ग्रेड है 50% फैक्टर दिया है। पूछ रहा है कि बताओ यार सिंपल सा क्वेश्चन कि मशीन को हम इंस्टॉल करें कि नहीं, क्या करना चाहते हो? यहाँ पे तो बनाना ही पड़ेगा हमको। तो पहले एक काम करते, कैलकुलेशन ऑफ CFAT निकाल, टेंशन नहीं खत्म हो जाए। हाँ, टेबल कैलकुलेशन ऑफ CFAT निकाल लेते पहले। अच्छा वो वाला टेबल बोल, सीधा NPV यहीं से निकाल लेंगे ना, फैक्टर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये क्वेश्चन कहाँ का है? आपके स्टडी मटेरियल का। और रुपीज इन लैक्स में क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स कितना, 322, 322, 418 और 418 प्लस सेविंग्स 50 लाख, 50 लाख कुछ बच्चे तो ये भी भूल गए, 50 हर साल। हाँ वो तो फर्स्ट ईयर, वो तो जीरो में करना है, नेट कैसे कर सकते? याद है ये किसको दिया जा रहा था? कॉन्ट्रैक्टर को, वो पैसा बचा हमारा। माइनस करते हैं खर्चे, खर्चे में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा? मटेरियल, मटेरियल में तो कोई तामझाम था नहीं, सीधा सीधा बोला था कितना कितना है, 30, 40, 85 और 85 माइनस वेजेस। वेजेस में भर ध्यान से करना है ना, वेजेस में 75 है एक्चुअल में, और आइडल टाइम कितना है? 15 लाख। तो 75 माइनस 15 कितना गया? 60, 65, 85 और 100।
अगर कहीं कुछ लिखते नहीं हो ना, लास्ट में आपके होश उड़ जाएंगे किधर से आगे करके, ठीक है, कहीं स्टार लगाकर या कहीं लिख देना ये किधर से। तो मुझे फोन लगाओगे सर कहाँ से आया था। उस समय जिस समय मैंने मैसेज देखा ना, उस समय पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी टोटली। माइनस अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं है तो अदर एक्सपेंसेस को सीधा सीधा लिखते हो। कितना कितना था, 40, 45, 54 और 70, ठीक है। और इंश्योरेंस भी ले लें क्या, इंश्योरेंस का कितना था, 30, 30, 30 और 30, और क्या था भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है वो किराया। इसको आप रेंट बोल सकते, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। और कुछ मालूम है ना भैया, कुछ बच्चे ना मुझसे बिना पूछे लाइन खींच लेते हैं, नहीं खींच भगवान 10 लाख नहीं है 20 लाख है वो, ये कहना है। बच गया ना, अच्छा आपने 20 लाख माइनस, ठीक है। और कुछ है क्या, भाई खर्चे ना यार, खर्चे तो आप वर्किंग कैपिटल खर्चा नहीं, वो तो हम अलग से दिखाते हैं टेबल में, एक्सपेंसेस ही तो लिखना है हमको यहाँ। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या एक्सपेंसेस लिखते थे, डेप्रिसिएशन भी है, पर डेप्रिसिएशन तो अपन बाद में लिखते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंसेस है। हाँ 200 का 16% 8, ये याद रहेगा, हाँ याद रहेगा मुझे उम्मीद। और कोई तो चक्कर नहीं है ना भाई, सेल्स हो गया, सेविंग्स हो गया, ये प्लस हो गया ना, इसको उड़ा मत देना सीधा, सबको माइनस कर दिया, मटेरियल वेजेस अदर एक्सपेंसेस इंश्योरेंस हो गया, आप कुछ नहीं बचा, और बचा होगा तो काट के लिख देंगे। जगह पे छोड़ोगे तो काटना तो नीचे का भी पड़ेगा ही। मेरे हिसाब से अभी कुछ भूले नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब वो तो हमारा सेल्वेज हो गया, टर्मिनल वैल्यू, हाँ वो 34 साल के एंड में बेचे है ना वो मशीन, उसको वहीं करें तो 170 आ रहा पहले साल का, इसको नाम दे रहे हम CFBT, हाँ यहीं करेंगे ना। दूसरा कितना आ रहा है, 120 158,
ठीक है, माइनस क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन 50, 38, 28, 21, अब जो आएगा वो आएगा पीबीटी, एक सौ बीस टैक्स कितना परसेंट, 60, 60, 80 72 CFAT एक सौ दस नाइन्टी माइनस, मैंने कहा ना बाद में माइनस कर लेंगे अगर दिक्कत भी होगी, याद है वो 200 लाख रुपए लिए थे तो उसका हर साल 50-50 लाख भी तो जा रहा है, उसको कौन माइनस करे, याद दिलाना था आप लोगों को। ठीक, तो ये एक्चुअली में कैश फ्लो आया है, हालांकि जब आप बड़े हो जाओगे 6 महीने बाद तो इसको आप फ्री कैश फ्लो बोलोगे, फ्री कैश फ्लो। अभी अभी टेंशन, कैश फ्लो लिख दो बहुत है। वो 200 लाख रुपए का लोन था, उसका इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया पर 50-50 लाख भी तो दे रहे हैं, वो कैसे, वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। सर उधर याद नहीं था कि आपको, जब इंटरेस्ट का कर रहे थे तब तो याद रहना चाहिए था कि आप 50 लाख भी जाएगा, पर हमने यहां से क्यों माइनस नहीं किया, वैसे भी नहीं होता यहां से माइनस, क्योंकि उस पे पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं मार सकते, उसको सिर्फ इंटरेस्ट को मार सकते। 110 माइनस 50 कितना आ गया, 60, 48, 58, 43 और कुछ लग रहा है कि जरा देख लेते, कुछ मिल तो नहीं रहा है, चौथे साल में कुछ मिल रहा है वो भी जोड़ देते हैं इसी में, सेल्वेस प्लस क्या करेंगे, सेल्वेस कितना मिल रहा है यार, 5 नेट ही लिखेंगे, अब कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल का भी यही कर ले, क्या कर लेते हैं ना यार, फिर प्लस वर्किंग कैपिटल पहले साल कितना, 20 लाख पहले साल के एंड में की आज, पढ़ लो पढ़ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बीस लाख को तो यहां नहीं कर सकते, सुनो 20 लाख का तो यहां कुछ नहीं, 35 लाख कर सकते, 20 लाख को तो आपको अलग से ही लेना पड़ेगा ना यार, तो यहां हो गया 35 और 55, यहां से 35 क्या करना पड़ेगा, प्लस की माइनस, हाँ 35 तो माइनस करना पड़ेगा, ये पैसा जा रहा है
और ये पैसा आ जाएगा लास्ट में। हाँ वो ये तो प्लस है, बस इसी को माइनस करना है। FCFF बोलते हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी या फॉर फर्म बोलते हैं, पर अभी मैंने कहा ना आप कैश फ्लो लिखो बस। साठ में से 35 गया कितना, 25, 48, 58। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पॉइंट 870, 0.756, 0.658, 572। चलो पीवीसीए निकाल लेते हैं। वन डबल फाइव डबल वन एट, इसमें से माइनस करना है। आज पैसा कौन सा जा रहा है हमारी जेब से, एक तो कंपनसेशन जा रहा था कॉन्ट्रैक्टर को, कितने का, 30 लाख का, और साथ में स्टॉक के लिए पैसा लग रहा था वर्किंग कैपिटल 20 लाख, और कुछ बस। कितना गया 10, 0 इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस नहीं किया। और ये क्या चीज है बच्चे, मतलब कर तो दिए कि दो बार माइनस करोगे यार, 200 लाख हमारे जेब से नहीं गया इस बार, इस बार हमने लोन वापस कर दिए, ठीक। तो इसी का नाम एनपीवी हो गई। बेहतरीन क्वेश्चन है माला। और पढ़ने की इच्छा, नहीं बोलना चाहते हो पर नहीं बोल नहीं पाओगे आप, इच्छा पूरी है कि नहीं पढ़ना है पर क्या करें मजबूरी। एक क्वेश्चन और बना रहे हैं और बचा भी नहीं है कुछ, एक क्वेश्चन और बनाते हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन होगा। इंस्टीट्यूट ने गलत बना रखा है पर हमको, हालांकि मैं बोल दूंगा नहीं ऐसे नहीं है, मेरे हिसाब से चलो मेरे हिसाब से नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो एक एक शब्द हम वही फॉलो करेंगे जो इंस्टीट्यूट, हाँ जी, इसलिए तो आया है ना एग्जाम ये वाला क्वेश्चन, टाइम पास है होमवर्क क्वेश्चन 85। यार पे बैक पीरियड निकालना है तीनों प्रोजेक्ट का, पे बैक डिस्काउंटिंग भी नहीं, पे बैक पीरियड वो तो 10,000 है, 2 और 2, 4 और 4 और 6, 10, पहले साल का कितना है 3, इसमें दिया नहीं आंसर। ये आप निकाल कर एक बार व्हाट्सएप कर दोगे कि प्लीज सॉल्यूशन,
जो भी निकालेगा वो ग्रुप में व्हाट्सएप कर देगा उसका सॉल्यूशन, होमवर्क है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 47 है और क्वेश्चन नंबर 52। और मैं बनाने की इच्छा रखता हूँ 52। छोटा नहीं है यार ये, फैक्ट्री जबरदस्ती दे रखा। ये भी 4 ही साल है, वो भी 4 साल है, ये भी तो 4 ही साल है, ये भी 4 ही साल है। क्वेश्चन नंबर 52 बना रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग आज। दो क्वेश्चन बचे, एक बचे एडजस्ट में, पहले क्वेश्चन देख ले कि कौन कौन से बचे। वो जो बुक चाहिए मेरे पास बुक में। पेज नंबर 35 भी आई है, पेज नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 61 ये बचा हुआ। ये क्वेश्चन हम लोग डिविडेंड डिसीजन के साथ में करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन, लिख लो वहां क्वेश्चन नंबर 61 में डिविडेंड डिसीजन। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 सेंसिटिविटी एनालिसिस का है, मिल गया ना। सेंसिटिविटी एनालिसिस पता है ना क्या है, एक समय पे एक फैक्टर चेंज कर, इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो मैं समझा। ठीक, यही दो क्वेश्चन बचे थे, इसके अलावा सारे क्वेश्चन हम कर चुके। ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला, एक जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूँ, इसको करते। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है, चलो जी करना तो है। ये क्वेश्चन सीए इंटर से हट गए, सीए फाइनल में आ गया है। ठीक, पढ़ना तो है यार, पढ़ना तो। आपके में फाइनल में आ गया है ना, अभी है ना भाई, हटेगा क्यों। वो फाइनल में वापस पढ़ना है, वहां भी यही गलत ही पढ़ना है, वहां भी सुधार कर नहीं पहुंचाया है। ठीक। बाकी चीजों से टाइम मिलेगा तो करोगे। एन कंपनी रिप्लेसमेंट याद है, कुछ अजीब सा होता था रिप्लेसमेंट, ऐसे ही वाला रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मशीन, या फिर रिप्लेस है, या फिर स्पेंड कर लीजिए, रिपेयर करवा लीजिए ओल्ड मशीन को, सीधी सी बात। ओवरऑल इनका एन कंपनी करेंटली पे नो टैक्सेस, थैंक गॉड। The replacement machine cost of new machine कितने की आ रही है, 90,000। ठीक, और maintenance का खर्चा कितना हर साल, 10,000 हर साल, कितने साल तक, 8 साल। इसके अलावा 8वें साल के एंड में ये मशीन कितने की बिक जाएगी, 20,000। तो ये न्यू मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा बोले चाहो तो अगर खरीदना है खरीदो, या फिर एक काम करो आप बाद में भी न्यू मशीन को चेंज कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग मशीन को आज ही चेंज कर देते हो, एग्जिस्टिंग मशीन को बेच देते हो, तो कितने की बिकेगी, 40। ठीक, अगर आज चेंज नहीं करते हो, एक साल बाद चेंज करते हो, तो भैया ओल्ड मशीन चलाओगे तो मेंटेनेंस का खर्चा रहेगा कितना, और फिर बेचोगे तो कितने की बिकेगी, 25, कमी होगी, धीरे धीरे रेट गिरेगा और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ कब हमको रिप्लेस करना ज्यादा अच्छा, आज रिप्लेस करें कि एक साल बाद रिप्लेस करें कि 2 साल बाद रिप्लेस करें कि 3 साल बाद रिप्लेस करें, ये हमको डिसाइड कर। ठीक है, इसको करवाने का एक अच्छा तरीका है, पर उससे
प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, सॉल्यूशन ही गलत है, हमारा अलग भाग रहा है, इंस्टीट्यूट का अलग भाग। चलो ये आंसर किसके हिसाब से, आईसीए की, तो वैसे कर। सबसे पहले न्यू मशीन का कितना पैसा लग रहा है वो देख लेते हैं, उसमें तो नंबर मिलेगा ही हमको। देखोगे कैलकुलेशन ऑफ, कैसा फ्लो, कौन सी मशीन की बात हो रही है, न्यू, अगर हम नई खरीदते हैं तो कॉस्ट कितना, 90,000 प्लस मेंटेनेंस, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू सीधी सी बात, बोलो हर साल कितना, कितने साल तक, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर दिया है क्या, हाँ कितना परसेंट कितना दिया, 4.4873। अब जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, सुनो सुन लो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे बोलते ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन यार, इसलिए वो फैक्टरी तो है भाई, उसने ऐसे करके दे दिया है, कहाँ गया ये करके दे दिया, टोटल करके दे दिया, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल मारना पड़ेगा। पर छोटे छोटे बच्चे बोलते नहीं सर बड़ा वाला आप नहीं करवा रहे, चलो 10,000 × कितना आ गया, 4.4873, बोलो 44,873। ओल्ड मशीन को बेच भी तो, सॉरी न्यू मशीन को बेचोगे, हम पूरे पूरा न्यू मशीन का काम कर रहा, माइनस सर्विस, सुनो ये मशीन बेच रहे हैं, आपको मालूम है तो इतना कॉन्फिडेंट आंसर आ गया ना सर, आप कितनी भी कहानी बताना हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लग रहा होगा पुराने क्वेश्चन की बात करो, इस मशीन का सेल्वेज कितना है, 5 लाख, बेचने पे 5 लाख आएगा, कैपिटल गेन की बात क्यों नहीं की, टैक्स का 50% है रेट, अभी किया था 84 लास्ट में, पांच लाख डेप्रेशन दिया है 4 साल का, है ना, वो तो मुझे इधर ही याद आया यार, पर मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा कई बार करवाया हुआ है, मैं भी जानता हूँ, सजेस्टर में लिखा इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, इट इज एज्यूम्ड, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि यार वैसे आपका क्वेश्चन आना चाहिए था यहाँ, चल चलो 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 खत्म कर रहे क्वेश्चन, बोलो मशीन बेचने से कितना आएगा,
तो बोलो कितना आ गया आपका, कैसे हो? प्रेजेंट वैल्यू कैसे आउट होगा, कितना रुपीस? वन टू एट थ्री थ्री फाइव हो सकता है इस आंसर में फैक्टर की वजह से उन्होंने अलग ले रखा हो। सिंपल सी बात है, इसमें जो आंसर दिया उसके हिसाब से आंसर आ रहा है 128400, पर वो फैक्टर की वजह से आया होगा, टेंशन मत। ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। अब अभी सुनो सुनो सुनो, जो फैक्टर उसके हिसाब से, ये मेरा पैसा जा रहा, अगर मैं न्यू मशीन खरीदता हूं तो कितने साल चलेगी? 8 साल। 8 साल तो ये कैश आउटफ्लो टोटल मिलाकर कितने साल का है? 8 साल। ये तो टोटल मिलाकर 8 साल। क्या इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, याद करो पहले भी निकालते थे। सर क्यों निकाल रहा है, यहां जरूरत है। इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ निकाल सकता है, कैसे निकालते थे? इक्विवेलेंट एनुअल PVCO कैसे निकालते थे? 128335 डिवाइडेड बाय 4.4873 आंसर 285, मतलब 600 ले लो ना, चलो 600। ये क्या चीज है कैसे, मतलब टोटल जो भी है कॉस्ट ऑफ मशीन है, टोटल मिलाकर पैसा इतना जा रहा है। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये टोटल मिलाकर कॉस्ट है। और ये क्या है? इक्विवेलेंट मतलब ये एनुअल कॉस्ट, मशीन की एनुअल कॉस्ट। अब बस सुनना ध्यान, अब थोड़े से काम की चीज। मैं इसको अब ICAI ने क्या किया, अब यहां रटने वाली बात। ICAI कहता है यार अगर मशीन की कॉस्ट की बात करूं हर साल की, तो ये है कॉस्ट 28,600। अब उसका कहना है कि देखते हैं कि क्या है। अगर मैं कहता हूं मैं यही रिप्लेस करता हूं यहां जीरो पीरियड में, तो बोल दो मशीन का कॉस्ट कितना आएगा? अगर मैं न्यू मशीन का कॉस्ट कितना आएगा? अगर मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं यहां, तो मशीन का कॉस्ट कितना आएगा? ये मत लेना, एनुअल कॉस्ट दिया उस, तो बताओ कॉस्ट ऑफ मशीन कितना? 28,600 यहां लगा। ओल्ड वाले का कोई मेंटेनेंस का खर्चा आएगा क्या? नहीं। और उसको बेच दोगे, बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 40,000। तो 40,000 तो आ गया यार मेरे पास, गया 28,600 आया 40,000, तो ये तो फायदे की बात है। कितना फायदा हुआ जरा बताओ, 40,000 माइनस 28,000 11,400। यही एक रटने वाली बस, यही उसने इसको एनुअल कॉस्ट माना, ये रटने वाली बात। ठीक, अब दिमाग चलाना। मैं कहता हूं यार नहीं, मुझे अभी नहीं करना रिप्लेस, मुझे 1 साल बाद रिप्लेस करना है, तो समझ के जवाब देना। जीरो पीरियड में कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं। फर्स्ट ईयर में पहुंचे, फर्स्ट ईयर में पहुंचे, जरा बताना पैसा कौन सा आएगा कौन सा जाएगा? मशीन खरीदोगे, माइनस कितना हो जाएगा? 28,600। मेंटेनेंस का कितना जाएगा? हाँ अभी लेंगे ना, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में बस लिख रहा हूं, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। नहीं, 28,000 इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू है यहां, मेरी बात समझो। आप इसको सोच रहे हो कि ये प्रेजेंट वैल्यू है,
ये प्रेजेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, पर अगर अगर आप, मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2800, यहाँ 2800, यहाँ 2800 ऐसे लिखोगे और इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आएगा ये वाला। इसमें ये जो भी साल है आपको फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2800 पैसा गया, 10,000 मेंटेनेंस का गया, पर कुछ आएगा ना यार, जब नई खरीद रहा है तो पुरानी बेचोगे, कितना आएगा? 25,000। कौन से साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर। बताओ कितना आएगा? 13,000। नेगेटिव की पॉजिटिव? नहीं, आंसर तो 11,832 है। सोच लो। हाँ, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से ईयर का फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर। पंद्रह परसेंट का फर्स्ट, 11,000। चार डिजिट ले रहे हो कि तीन ले रहे हो? 1/1.15, 0.8696। 28,600, 10,000, 25,000, 2.8696, 11,826। अगर 870 लेते हैं तो 3 डिजिट में ले रहा है, ठीक है। अब सुनो, जब मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं यहां, तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है 11,004। एक साल बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो एनपीवी नेगेटिव आ गया है 11,832। आज हो गए, एक साल बाद हो गया। अगर 2 साल बाद रिप्लेस करूं और नेगेटिव आएगा, डिसीजन होना ही नहीं चाहिए, बेवकूफी वाला क्वेश्चन डाल के रखा है। पर अब मुझे बता दो, अगर मैं 2 साल, पैसा बताओ पैसा कहाँ कहाँ जाएगा? ये जीरो, पहले साल में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? ओल्ड अभी हम रिप्लेस नहीं कर रहे, 2 साल के एंड में करेंगे। लगेगा फर्स्ट ईयर में कुछ? लगेगा कि नहीं लगेगा? मेंटेनेंस का तो लगेगा ना भाई, मेंटेनेंस का तो लगेगा। कितना दूसरे साल में? किस चीज का? मशीन का कॉस्ट, पर बेचने से कुछ मिलेगा प्लस 15,000। बस कैश फ्लो निकाल लीजिए कितना आ रहा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 से, अट्ठाईस, इसका फैक्टर कितना आ रहा? 28,600, 10,000, 20,000 माइनस 15,000, तो यहाँ कैसा आउटफ्लो? 33,600, 33,600 नेट। ये कैसा आउटफ्लो है ना भाई, और ये तो भी कैसा आउटफ्लो है। तो 10,000 × 0.87 और 33,600 × 0.756 कौन सा? माइनस 28,600 है, माइनस 20,000 है, और प्लस है 15,000 मशीन को बेचने से। इनको मैंने नेट किया, प्लस माइनस को एडजस्ट किए, ठीक। हाँ चल जाएगा। ऐसे क्या करोगे? रिप्लेस इन 3 इयर्स। ऐसे क्या करोगे? रिप्लेस इन 4 इयर्स × 0.756। ये भी तो आएगा 10,000 भाई, पैसे तो लग ही रहा है। हाँ गए, फैक्टर की वजह से नहीं आ रहा होगा। आपको 3 डिजिट लेना, अभी तो हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने कहा ना याद करना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। गड़बड़ वाला ऐसा है, ये क्या कर रहे हो आप 15,000 का?
मशीन बेच रहे हैं, और ये क्या कर रहे हो, मतलब मेंटेनेंस करके मशीन बेच रहे हैं, मतलब समझाओ। मशीन मेंटेनेंस करवाया और फिर बेचा, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना यार, मेंटेनेंस करवा के, और बोलते वाओ मैं मेंटेनेंस करवा के देता हूँ आपको, और मेंटेनेंस करवाने के बाद धीरे धीरे वैल्यू कमी हो रही है, और यहां तो हद नहीं हो गई, कितने का मेंटेनेंस और कितने का बेच रहे हो, अरे तो भाई क्यों मेंटेनेंस करवा रहे हो, अगर ऐसा बोलोगे तो बोलेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में ठीक करके बचूंगा, मतलब फाइनल में करना बनाना इस क्वेश्चन को, पिछले अटेम्प्ट में मैंने कटवा दिया था, मैंने कहा बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, नहीं आया था, किस्मत उनकी किस्मत किस्मत हाँ हाँ लेकिन आरटीपीआर और आरटीपी को इग्नोर नहीं कर सकते भाई, ठीक। तो ये वाला होमवर्क, ये वाला बना, इसको बना लेते, बना लेते प्लीज यार, यहां तक ठीक ठीक। अभी आ जाएगा रिप्लेस नाउ, फिर रिप्लेस वन ईयर लेटर, फिर रिप्लेस टू ईयर लेटर, बस इतना आसान डिसीजन है सर, बेच दो ना, खत्म करो, उसका नंबर नहीं देगा ना भाई वो उसको पेपर चेक करने वाले को नहीं समझता, वो देखता है कॉपी भाई लिखा क्यों नहीं, कट आप नहीं समझ रहे, यहाँ यही तो प्रॉब्लम, इसलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, इसलिए एमसीक्यूज आया, कम से कम वो ये नहीं देखता कि बंदा क्या सोच रहा है, कितना है, मतलब ही नहीं। नो कमेंट्स, रिप्लेस नाउ, इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ मशीन निकाला है आपने, कितना निकाला था 28,000, सर्विस वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितना था, 25,000, 40,000, ये आउटफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गए, और ये जीरो पीरियड में है ना, एनपी भी आ गया पॉजिटिव, 11,400, इसमें एनपीवी ज्यादा आएगा वो हमारे लिए अच्छा है, देखते आगे शायद एनपीवी ज्यादा आ जाए रिप्ले वन ईयर लेटर, इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ मशीन ये तो 28,600, कौन से साल का फैक्टर आएगा, पहले साल का 870, तो पूर्वी का कहना है सर क्या टाइम पास है यार, एक बार नेट करो और फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो,
आगे जब 2-3 साल आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 28,600 × 0.8710, 5 मुझे बजाना कैसे भी कर, 28,600 × 0.8710 कितना आ गया? टू फोर एट एट टू। क्या ये पैसा गया? यस। मेंटेनेंस कितना? 10,000 × 0.8710। मेंटेनेंस करके मशीन बेच रहे हैं, 10,000 × 0.8710, 8,700। सैलवेज प्लस हो जाएगा, सैलवेज कितना? 25,000 × 21,750। एनपी भी देख लेते हैं। कितना माइनस? 11,832। हो सकता है 2 साल बाद चेंज कर। रिप्लेस 2 years later। Equivalent cost अट्ठाईस हजार 600 × 0.756। टू वन और क्या आएगा यार? मेंटेनेंस 10,000 × 0.75। पहले साल तो 10,000 ही मेंटेनेंस होगा ना यार, ये तो 0.8710 ही होना। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ गलती नहीं हो सकती हमसे। 8,700। ये भी पैसा जा रहा है, ये भी पैसा जा रहा है, और सेकंड ईयर में भी मेंटेनेंस करवा के कितना रुपए खर्चा? 0.756। फिर क्या करोगे? मशीन को बेचना भी पड़ेगा। सर्विस कितने का बेचोगे? 15,000 × 0.756। वन वन थ्री फोर जीरो एनपीवी। 34,102 या गैन पे भी टाइम पास हो रहा है, पर एम आरटीपी में डाला है 2022 में, आपकी भी आरटीपी में डाला रहेगा। क्या दिल गवाही देगा छोड़ने? बस रिप्लेस 2 साल हुआ ना, 3 साल 4 साल खत्म। अरे तो 2 ही साल है ना तुमको, 4 साल तो 3 साल बात करेगी, 4 साल बात पक्का। होमवर्क दे दो,
चलो मेंटेनेंस तो इतनी आएगा 10,000 और 20,000 चलो कॉस्ट लेना पड़ेगा 28,600 थर्ड ईयर का बोलो 6,5,8 मतलब इसकी जगह दूसरा करके आओ क्या? हाँ ऐसा बोलो ना, एग्जाम में आया तो छोड़ के आऊंगी बोल रही है पूर्वी। हाँ थर्ड भी मेंटेनेंस तो करवाना पड़ेगा, थर्ड ईयर का मेंटेनेंस 20,000 × 0.258 658 कितना कितना 19,740 सर्विस अभी तो 10,000 ही मिलेगा क्या? शायद अब पॉजिटिव आ जाए। डबल 5,799 लास्ट करे हो जाएगा ठीक, लास्ट वाला कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद। हाँ ठीक है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इक्विवेलेंट कॉस्ट, सिंपल तो है यार, कहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। चलो चलो हो गया, आंसर आ गया। होमवर्क 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 तो एक क्वेश्चन जो है हम डिविडेंड डिसीजन के साथ करेंगे और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कब तक रिविजन हो जाएगा आपका कैपिटल टेस्ट दोगे या नहीं दोगे? मंडे पक्का ना कैपिटल वेस्टिंग सागर है ना जो पढ़ोगे आपके, आपका रिवीजन कब तक खत्म होगा पहले ये डिसाइड। सैटरडे रख लें हाँ अगला सैटरडे, बहुत दिन है ठीक है बहुत। हाँ ठीक है।